सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। सपने भी उन्हीं के ही पूरे होते हैं जो इनकी कीमत चुकाते हैं। ऐसा ही एक सपना है आईएएस बनने का। तो यूपीएससी की परीक्षा को किसी संघर्ष से कम नहीं माना जा सकता है। वैसे तो ये बहुत ही मुश्किल परीक्षा होती है, मगर ये संघर्ष और भी बड़ा तब हो जाता है जब आप ये सुनते हैं कि कई लोग सालों से इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और उन्हें वांछित सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे समय में ये सवाल आपके मन में उठना लाजमी है कि आखिर इस परीक्षा में सफल होने के लिए कितने वर्ष तक तैयारी करने चाहिए। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम है ऐश्वर्या। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका मिशन JPSC एग्जाम क्लियर करना भी है तो आप हमारे खास YouTube चैनल मिशन JPSC को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज ऐसे अपलोड करते हैं जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है कितने साल की तैयारी में IAS की परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि विश्व की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक IAS परीक्षा में सफलता पाने के लिए विस्तृत प्लानिंग और तैयारी की जरूरत होती है। और अक्सर छात्र इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कितने सालों की प्लानिंग करनी चाहिए। हर साल UPSC क्लियर करने वाले छात्रों की कहानी पढ़ने के बाद ये जो कन्फ्यूजन है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कोई कहता है कि उसने 10वीं के बाद ही इस परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, तो कोई ऐसा भी होता है जिसने नौकरी करने के बाद इस परीक्षा की तैयारी की और इसमें सफलता भी हासिल की। तो सच कहा जाए तो UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कोई तय समय सीमा नहीं होती है। ये अभ्यर्थी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इस परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को समझकर उसे पूरा कर पाता है। एक आदर्श परिस्थिति की अगर हम बात करें तो 12वीं की परीक्षा के बाद से ही UPSC की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस परीक्षा का सिलेबस बहुत ही विशाल है और इसे समझने के लिए आपको काफ़ी समय लग जाता है। यदि आप 12वीं के बाद से ही सामान्य अध्ययन के विषयों की पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आपकी ग्रेजुएशन पूरी होने तक सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा आप कवर कर चुके होंगे। साथ ही एक UPSC ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ग्रेजुएशन करने से ऑप्शनल सब्जेक्ट का भ्रम भी बहुत जल्दी दूर हो जाता है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं की पढ़ाई के बाद से ही ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको सिविल सेवा में जाना है। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई का समय विद्यार्थी जीवन का सबसे रोमांचक काल माना जाता है। यही UPSC की तैयारी शुरू करने के लिहाज से भी स्वर्णिम समय कहा जाता है। तो आमतौर पर ग्रेजुएशन का पहला और जो दूसरा साल है वो काफी तनाव रहित रहता है, जिससे IAS की आरंभिक तैयारी अच्छे से की जा सकती है। ये तैयारी सेल्फ स्टडी के रूप में भी की जा सकती है और किसी कोचिंग क्लास के जरिए भी। इस परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन ही है, इसलिए ग्रेजुएशन पूरा करते ही उम्मीदवार UPSC की परीक्षा में बैठ सकता है और इस दौरान परीक्षा के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना भी ना के ही बराबर होती है। और इस कालखंड में तैयारी शुरू करने से एक फायदा ये भी होता है कि आप डिग्री पाते ही आप UPSC परीक्षा में अपना पहला प्रयास कर सकते हैं और आपके पास और प्रयासों के लिए पर्याप्त समय भी रहता है और उत्साह भी रहता है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए सामान्यतः 2 से 3 वर्षों का जो समय है वो पर्याप्त माना जाता है, परंतु ये भी आवश्यक है कि एक अभ्यर्थी अपने पठन पाठन और उसकी विषय वस्तु की समझ और मूलभूत आवश्यकताओं का पालन करे। यदि ऐसा हो तो इस परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है और ये योजना एक अभ्यर्थी अपनी स्नातक शिक्षा के साथ साथ बना और समझ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश PGT और TGT चयन परीक्षा के लिए तैयारी तो गारंटीड सक्सेस पाने के लिए आप पढ़ सकते हैं प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रत्येक विषय पर उपलब्ध किताबें, जैसे कि हिंदी, गृह विज्ञान, गणित आदि। इन प्रैक्टिस सेट्स के मिलेंगे व्याख्या सहित उत्तर, जिनसे आप सीखेंगे सॉल्व करने के बेहतर तरीके। ये बुक्स हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी मजबूत। तो आज ही खरीदें Amazon, Flipkart या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं अपना लक्ष्य।